मिनट हो जाएगा, आप वैसे आ जाएंगे। ओके, वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑन इनकम टैक्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या कवर किया था? प्रीवियस ईयर असेसमेंट किया और क्या कवर किया था? असेसमेंट। ये तीन डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एसएससी के बारे में। एसएससी कौन है? हु इज अ एसएससी? ठीक है, तो एसएससी किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सिंपल वर्ड में, वन वर्ड में डिफाइन कर देता हूं, टैक्स पेयर। एसएससी किसको कहते हैं? टैक्स पेयर को एसएससी कहते हैं। ओके, ये वन वर्ड में, मैं ये नहीं बोलता कि ये डेफिनेशन इनकम टैक्स का, एक वर्ड में कोई आपसे पूछ ले, होते हैं बहुत सारे होशियार बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है, होते हैं हमारे कोई कजन्स हैं जो हमसे बड़े हैं, टीवाई पास कर चुके हैं, सीए वगैरह करते हैं, तो बड़े शान से आके पूछते हैं, टीवाई में टैक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एसएससी किसको कहते हैं? तो ऐसे लोग जब पूछे ना आपको, तो एक वर्ड में उनको जवाब देते हैं, एसएससी किसको कहते हैं? टैक्स पेयर, उसको एसएससी कहते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ एसएससी का एक्चुअल मीनिंग क्या है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में एसएससी का मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु इज लायबल फॉर अ सम ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1965। कोई भी पर्सन चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर वो इनकम कमा रहा है और अंडर इनकम टैक्स लॉ उसको कुछ पैसे देने बाकी है, अंडर दिस लॉ ही इज लायबल टू पे मनी, तो उसको हम एसएससी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हर किसी को भी एसएससी बोलेंगे। अभी आपको शेट्टी सर को पैसे देने बाकी है तो क्या आप एसएससी हो गए? नहीं। ठीक है, अभी किसी को मुझे पैसे देने, अभी पवन को मुझे पैसे देने, तो क्या पवन एसएससी हो गया? मुझे बैंक वालों को पैसे देने बाकी है तो क्या मैं एसएससी हो गया? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एसएससी हो जाएगा, किसी को भी पैसे देने बाकी है तो एसएससी कहलाएगा, नहीं। इनकम टैक्स लॉ में अगर उसको कुछ पैसा देना बाकी है, कुछ मनी आउटस्टैंडिंग है अंडर इनकम टैक्स लॉ, तो वो आदमी क्या बोला जाएगा? एसएससी, उसी को एसएससी बोलेगा। ऐसा हर किसी को एसएससी बोलने की जरूरत, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई और टैक्स पे, जैसे जीएसटी पे करना है मुझे, मैंने जीएसटी का पैसा नहीं भरा है अभी, तो क्या मैं एसएससी बोला जाऊंगा? नहीं, तो भी मैं एसएससी नहीं बोला जाऊंगा। एसएससी हम किसको बोलेंगे? पर्सन हु इज लायबल फॉर अ सम ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट यानी कि इनकम टैक्स लॉ में अगर किसी को कोई पैसे देने बाकी है तो वो एसएससी बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी एक सवाल और, ये क्या लिखा है? अ सम ऑफ मनी। अ सम ऑफ मनी मतलब एनी सम ऑफ मनी, इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है वो पे करना बाकी है तो भी उसको एसएससी बोलेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स भर दिया लेकिन इनकम टैक्स के ऊपर पेनल्टी देना बाकी है, देरी से भरा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अगर आप लेट भरते हो, ठीक है, तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है, कभी कभी और क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो अगर पेनल्टी का अमाउंट बाकी है या इंटरेस्ट का अमाउंट भी अगर बाकी है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो भी उस पर्सन को क्या बोलेंगे? एसएससी। तो एक बात का ध्यान रखो, एसएससी उसको नहीं बोलते कि सिर्फ इनकम टैक्स देना बाकी है, नहीं, इनकम टैक्स के अलावा अगर पेनल्टी भी पे करना बाकी है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी देना बाकी है, अगर ये सब पैसा अगर आपको देना बाकी है, आपको पेमेंट करना बाकी है, तो आप क्या बोले जाओगे? आप एसएससी बोले जाओ। तो कोई भी पैसा देना बाकी हो, चाहे इनकम टैक्स का या इनकम टैक्स के ऊपर पेनल्टी या फिर इनकम टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट, लेकिन एक चीज कॉमन है, चाहे इनकम टैक्स का पैसा बाकी हो, पेनल्टी या इंटरेस्ट, इसमें से कोई भी पैसा देना बाकी हो अंडर विच है इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे? That person will be called as SSC.
ठीक है, तो ये SSC बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप जब स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं, मैंने आपको अभी कुछ लास्ट लेक्चर में बताया था स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ऐसा बनाते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम हम बनाते हैं, तो किसका स्टेटमेंट है ये, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो ये स्टेटमेंट के ऊपर आपको SSC का क्या लिखना होता है, SSC का नाम लिखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर लिखना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर लिखना पड़ेगा, ठीक है, और भी ये सारी डिटेल्स आपको स्टेटमेंट ऑफ इनकम के साथ में डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं खाली स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना दिया, पता कैसे चलेगा कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम किसका है? तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम पे आपको SSC का क्या लिखना पड़ेगा, नाम, ये नाम लिखना पड़ेगा, मिस्टर पवन, कौन सा प्रीवियस ईयर, 1920, इसका मतलब क्या है प्रीवियस ईयर 1920, यहाँ पर जो इनकम मैं लिखूंगा वो कौन सी ईयर में कमाया मैंने, 1920 में। असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम मैं बना रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट बना रहा हूँ कौन सी ईयर में बना रहा हूँ, 2020-2021 में बना रहा हूँ। इसके अंदर जो इनकम का डिटेल दिया है वो कौन सी ईयर का है, 1920 का, और ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम किसका है, मिस्टर पवन, और मिस्टर पवन को यहाँ पर साइन करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम के नीचे। तो मिस्टर पवन है वो ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम में जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर कल को गवर्नमेंट को पता चला कि इसने स्टेटमेंट ऑफ इनकम में कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है तो उसको जेल तक हो सकती है, 10 साल की जेल तक हो सकती है, उसको इनकम टैक्स इवेड करने का केस चलेगा उसके ऊपर, इनकम टैक्स की चोरी का। तो ऐसा नहीं है, उस पे जो SSC है उसका क्या रहेगा, सिग्नेचर। तो SSC बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC इनकम टैक्स में किसको बोलते हैं, एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे एनी सम ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1960। तो ये SSC का एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो का डेफिनेशन था पर्सन, तो पर्सन का डेफिनेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि इनकम टैक्स में लिखा है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आप देख सकते हैं मेरा लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने बताया इनकम टैक्स में लिखा हुआ है अ पर्सन इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, अ पर्सन इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, कौन लायबल है इनकम टैक्स पे करने के लिए, पर्सन। तो पर्सन किसको मानते हैं इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स का जो लॉ है, ये जो कानून है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो लॉ है, ये जो लॉ है किसको पर्सन मानता है, क्योंकि ये लॉ जिसको भी पर्सन मानेगा वो इनकम टैक्स के लिए लायबल होगा, उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर वो इनकम कमाएगा तो ही विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स, ये बात आप समझ के चलो, ओके। तो ये पर्सन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम टैक्स में लिखा है पर्सन इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कौन लोग पर्सन में आते हैं, इनकम टैक्स लॉ किसको पर्सन मानता है और किसको पर्सन नहीं मानता, एक चीज मैं बता दूं, इनकम टैक्स लॉ अगर किसी को पर्सन नहीं मानता तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत, लेकिन इनकम टैक्स लॉ जिसको भी पर्सन मानेगा उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बहुत सारे कंफ्यूजन अराइज हो जाते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स लॉ में पर्सन को डिफाइन किया है, उसका डेफिनेशन दिया है ताकि ये क्लियरिटी रहे, मतलब ये जो पर्सन का कंसेप्ट है सबको क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
क्या होगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो कोर्ट केसेस होंगे, लोग केस करेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई मैं पर्सन ही नहीं हूँ, अब मैं पर्सन नहीं हूँ तो मुझे इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं भरूंगा, है कि? तो ये सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए डेफिनेशन दिए गए हैं, तो इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है? तो एज पर डेफिनेशन, पर्सन का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से पर्सन किसको कहते हैं? लोगों ने लिस्ट दिया है, बोला है कि ये लिस्ट में जिनका भी नाम है वो सब पर्सन है, ठीक है? सबसे पहला नाम किसका है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कौन? ह्यूमन बीइंग, ऑल ह्यूमन बीइंग। तो इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बराबर, अंडर 18 हो अबाव 18 हो, अंडर 18 मतलब माइनर ना, जो 18 साल से कम है उनको माइनर बोलते हैं, तो जो चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, अबाव 18, ठीक है, साउंड माइंड अनसाउंड माइंड, ये भी मैं बता, आपने एस वाई बी कॉम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, उसमें लिखा होता है साउंड माइंड अनसाउंड माइंड, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि पर्सन साउंड माइंड का हो तो भी वो पर्सन माना जाएगा, अनसाउंड माइंड का है तो भी वो पर्सन माना जाएगा, मतलब इनकम टैक्स लॉ कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है, कोई बाइफर्गेशन नहीं करता है कि भाई ये नॉर्मल आदमी है, ये एबनॉर्मल है, ये बच्चा है या ये बूढ़ा है, नहीं, इनकम टैक्स क्या बोलता है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग पर्सन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, बराबर, वो कोई भी एज का हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी सेक्स का हो, ठीक है, नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो, कैसा भी पर्सन हो, वो अगर ह्यूमन बीइंग है और वो इनकम कमा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो पर्सन है। तो इनकम टैक्स को हमें एकदम क्लियर बोला है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब सारे ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर वो पैसा कमा रहा है वो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, he is liable to pay income tax, very simple, आप समझ रहे? तो all individuals are person, ठीक है, मतलब अगर अगर एक 5 साल का बच्चा है, अगर वो इनकम कमाता है तो क्या उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? यस। अरे लेकिन वो तो 5 साल का है तो क्या हुआ, 5 साल का है तो क्या हुआ, अगर वो पैसा कमा रहा है अपने स्किल से या अपने टैलेंट से, अपने स्किल या अपने टैलेंट से अगर वो बच्चा भी पैसा कमा रहा है तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ही इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये नहीं बोलेगा कि अरे बच्चा है जाने दो, नहीं, इनकम टैक्स कभी नहीं सोचता है, इनकम टैक्स को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, अपने पैसे से, चाहे वो बच्चा हो या बुढ़ा हो, 80 साल का बुढ़ा भी अगर पैसा कमा रहा है ना 90 साल का, तो उसको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अरे इनकम टैक्स में क्लियर लिखा है, इनकम टैक्स वालों को मॉरल इमोरल, मॉरल एक्टिविटी इमोरल एक्टिविटी समझते हो, मतलब ये काम अच्छा है ये बुरा काम है, ये एक नंबर का काम है ये दो नंबर का काम है, इनकम टैक्स को इससे भी कोई मतलब है? मतलब अगर तू स्मगलिंग करके कमा रहा है पैसा, हाँ बट पैसा कमा रहा है ना, तुझे भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, यू आर ऑल्सो लायबल टू पे इनकम टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूं, इनकम टैक्स इज नॉट कंसर्न विथ मोरालिटी। तुम मर्डर करके पैसा कमाओ, स्मगलिंग करके पैसा कमाओ या टीचिंग करके पैसा कमाओ,
इनकम टैक्स को एक ही चीज से मतलब है, तुम अगर पैसा कमा रहे हो तुमको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, सिंपल बात, 100% की बात, यू हैव टू पे इनकम टैक्स। अंडरस्टूड, मेरी बात समझ रहे हो? आप दारू बेच के पैसा कमाओ या दवाई की दुकान खोल लो, दवाई बेच के पैसा कमाओ, इनकम टैक्स वाले एक ही चीज देखते हैं, तू पैसा कमा रहा है, पे इनकम टैक्स, पे इनकम टैक्स। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो हर इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल में सब आ गए, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो बच्चा हो, बुढ़ा हो, 18 साल से कम हो, 18 साल से ज्यादा हो, मेल हो, फीमेल हो, बराबर कोई भी हो, हर एक ह्यूमन बीइंग वो इंडिविजुअल है। और हर इंडिविजुअल क्या है? पर्सन। यानी कोई भी इंडिविजुअल पैसा कमाएगा तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन है। तो पर्सन का जो डेफिनेशन है उसमें सबसे पहले कौन आ गया? इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल पर्सन्स। ओके, इसके बाद में आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। HUF आपने 12th में पढ़ा होगा, जॉइंट फैमिली बिजनेस, तो इनकम टैक्स में HUF मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, बिजनेस भी एक पर्सन है, जॉइंट फैमिली बिजनेस भी एक पर्सन है। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स कम अंडर विच कैटेगरी? नेचुरल पर्सन, वी आर क्रिएटेड बाय नेचर। HUF कौन है? जॉइंट फैमिली बिजनेस, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, मैनमेड पर्सन, उनको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। बट इनकम टैक्स क्या बोलता है कि आर्टिफिशियल पर्सन भी इनकम टैक्स में क्या माने जाएंगे? पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन माने जाएंगे इनकम टैक्स में। मतलब अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन पैसा कमा रहा है तो हम उसको भी पर्सन मानेंगे और उससे भी इनकम टैक्स लेंगे। तो जॉइंट फैमिली बिजनेस यानी कि HUF बिजनेस, वो भी एक पर्सन है, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मेरे जो पिताजी थे वो चार भाई थे, ठीक है, वो चार लोग थे, तो उनका एक जॉइंट फैमिली बिजनेस था, बराबर। तो जॉइंट फैमिली बिजनेस था, कितने मेंबर्स थे उसमें? चार मेंबर्स थे, हाँ, चार भाई थे मेरे पिताजी, उनका एक जॉइंट फैमिली बिजनेस था। अभी जो मेंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। तो इनकम टैक्स की नजर में क्या है, ये जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये मेंबर वन, मेंबर टू, मेंबर थ्री, मेंबर फोर, ये सब कौन है? ये सब नेचुरल पर्सन है। ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल पर्सन। और जो बिजनेस है जॉइंट फैमिली बिजनेस, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? आर्टिफिशियल पर्सन, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो ये जो बिजनेस है, बराबर, अब ये बिजनेस एक ही है, चार मेंबर है, ये चारों मेंबर मिलके ये बिजनेस चलाते हैं, इस बिजनेस को मैनेज करते हैं। हर आदमी ने एक एक डिपार्टमेंट, एक ने प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट संभाला है, एक ने मार्केटिंग का संभाला है, एक ने ऑफिस का डिपार्टमेंट संभाला है, एक ने सेल्स का डिपार्टमेंट संभाल के रखा है। तो चारों ने एक एक डिपार्टमेंट हैंडल करके रखा है, चारों मिलके बिजनेस चला रहे, ठीक है। अभी बिजनेस जो चल रहा है जॉइंट फैमिली बिजनेस, उससे जो भी इनकम आ रहा है, बिजनेस का जो भी इनकम आ रहा है, बिजनेस का काम क्या है? ट्रेडिंग, बेचना, सेल करके पैसे कमाना।
गुड्स मैन्युफैक्चर करना और उसको मार्केट में बेचना और पैसे कमाना, बिजनेस का यही काम है। तो बिजनेस ये जो गुड्स बेच के मार्केट में गुड्स सेल करके जो पैसे कमा रहा है बिजनेस, ये बिजनेस का इनकम है। अच्छा, ये जो बिजनेस का इनकम है इस पे टैक्स कौन भरेगा? बिजनेस खुद भरेगा। क्यों भरेगा बिजनेस? क्योंकि बिजनेस भी इनकम टैक्स लॉ की नजर में, बिजनेस भी ये जॉइंट फैमिली बिजनेस भी कौन है? एक पर्सन है। तो बिजनेस जो भी इनकम कमाएगा उस पे वो इनकम टैक्स पे करेगा। इनकम टैक्स पे करने के बाद जो बैलेंस इनकम बचेगा वो बैलेंस इनकम ये चारों में क्या होगा? डिवाइड। तो क्या इन लोगों को भी उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, ये उनको माफ हो जाएगा, ये वाला इनकम उनको माफ हो जाएगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस जो कमाएगा वो बिजनेस खुद टैक्स भरेगा। अब यहाँ पे जॉइंट फैमिली बिजनेस अपने इनकम पे टैक्स पे करेगा। एक मैं बता दूं, बिजनेस अलग पर्सन है, इसको डिस्टिंग्विश किया है, बाइफरकेट किया है, डिवाइड किया है। बिजनेस जॉइंट फैमिली बिजनेस ये इनकम टैक्स की नजर में अलग पर्सन है। इसका स्टेटस क्या है जॉइंट फैमिली बिजनेस का? कौन सा स्टेटस है? HUF स्टेटस। और ये जो मेंबर्स है ये अलग पर्सन है, ये दोनों सेम पर्सन नहीं है इनकम टैक्स लॉ की नजर में। बिजनेस इज सेपरेट पर्सन, मेंबर्स आर सेपरेट पर्सन। इनकम टैक्स की नजर में ये जो मेंबर्स है ये कौन से पर्सन है? इंडिविजुअल। दे आर इंडिविजुअल और बिजनेस इज अ HUF, अलग पर्सन है। मतलब इनकम टैक्स लॉ ने ना जॉइंट फैमिली बिजनेस की HUF की आइडेंटिटी अलग कर दी, सेम नहीं है, अलग आइडेंटिटी है, इसकी पहचान अलग है, इसकी पहचान अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये दो दे आर डिफरेंट पर्संस। हाँ, जॉइंट फैमिली बिजनेस को क्या नाम से बुलाते हैं इनकम टैक्स में? HUF। अच्छा, ये जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है ये खुद अपना इनकम टैक्स भरेगा, इनका इनकम टैक्स रिटर्न अलग फाइल होगा। जॉइंट फैमिली बिजनेस का इनकम टैक्स रिटर्न अलग बनेगा, अलग स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनेगा, अलग से रिटर्न फाइल होगा। अच्छा, रिटर्न किसके नाम से जाएगा? जॉइंट फैमिली बिजनेस के नाम से ही रिटर्न जाएगा। अच्छा, इनकम टैक्स कौन भरेगा? बिजनेस ही इनकम टैक्स पे करेगा। ये लोग साइन करेंगे, बट इनकम टैक्स रिटर्न किसके नाम से बनेगा? बिजनेस के नाम से बनेगा, मेंबर्स के नाम से रिटर्न नहीं बनेगा। जो इनकम टैक्स रिटर्न बनेगा वो बिजनेस के नाम से, HUF बिजनेस के नाम से बनेगा। तो इनकम टैक्स की नजर में जॉइंट फैमिली बिजनेस यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ये भी एक तरह का कौन है? पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। और कौन? पार्टनरशिप फॉर्म। तो इनकम टैक्स की नजर में पार्टनरशिप फॉर्म भी कौन है? पार्टनरशिप फॉर्म भी कौन है? पार्टनरशिप फॉर्म भी यही है, अलग पर्सन। पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस है वो भी अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है। अच्छा, उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? इंडिविजुअल पर्सन, वो अलग स्टेटस है उनका। पार्टनरशिप फर्म बिजनेस का, पार्टनरशिप बिजनेस का स्टेटस अलग है। इनकम टैक्स में पार्टनरशिप बिजनेस को क्या नाम से बुलाएंगे? पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस जो इनकम कमाएगा उस पर पार्टनरशिप बिजनेस खुद टैक्स भरेगा। ये जो इनकम टैक्स का रिटर्न बनेगा किसके नाम से बनेगा? पार्टनरशिप फर्म के नाम से बनेगा, पार्टनरशिप बिजनेस के नाम से बनेगा, पार्टनर के नाम से नहीं बनेगा। अब ये क्या आर्टिफिशियल पर्सन है पार्टनरशिप बिजनेस? इसके हाथ पैर तो है नहीं। तो पार्टनरशिप बिजनेस के बिहाफ में पार्टनर्स खाली क्या करेंगे? साइन करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स स्टेटमेंट जो होगा उस पर नाम किसका लिखा जाएगा? पार्टनर का नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस का लिखा जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस जो इनकम कमाएगा उस पे वो खुद ही टैक्स भरेगा। टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ओके, तो पार्टनर्स अलग इनकम टैक्स भरेंगे, उनका इनकम टैक्स रिटर्न अलग फाइल होगा, पार्टनरशिप बिजनेस अलग। पर देखो, इनकम टैक्स में पार्टनरशिप बिजनेस अलग पर्सन है, इनकम टैक्स लॉ की नजर में पार्टनरशिप बिजनेस अलग पर्सन है और उसके जो पार्टनर्स हैं वो अलग पर्सन है।
वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल, वो अलग रिटर्न फाइल करेंगे, और पार्टनरशिप बिजनेस अलग रिटर्न फाइल करेगा। ये दो अलग अलग पर्सन है। तो इनकम टैक्स लॉ में ह्यूमन बीइंग्स को पर्सन माना है, तो वो लोग लायबल है इनकम टैक्स पे करने के लिए। जॉइंट फैमिली बिजनेस भी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो भी लायबल है इनकम टैक्स पे करने के लिए। तो जॉइंट फैमिली बिजनेस भी अगर कुछ इनकम कमाएगा तो उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। पार्टनरशिप बिजनेस भी अगर कोई इनकम कमाएगा तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर कंपनी, ये तो आप लोग सब जानते ही हो, कंपनी तो आपको जानते ही हो, आर्टिफिशियल पर्सन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। तो कंपनी भी एक पर्सन है। अच्छा, इसके जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स, वो कौन है? वो कौन होते हैं? इंडिविजुअल पर्सन, ह्यूमन बीइंग होते हैं। बट अगेन मैं बता दूं, कंपनी इज अलग पर्सन एंड शेयर होल्डर्स आर अलग पर्सन, दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो कंपनी भी एक पर्सन है, बिजनेस है। तो कंपनी जो भी पैसा कमाएगा उस पर इनकम टैक्स कौन भरेगा? कंपनी खुद भरेगा, ठीक है, ओके। शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होंगे, ठीक है। और कौन आता है? लोकल अथॉरिटी। तो देखो, इनकम टैक्स की नजर में कौन कौन पर्सन है? इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन बीइंग, HUF बिजनेस जॉइंट फैमिली बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी ये भी आर्टिफिशियल पर्सन। ये सब इनकम टैक्स लॉ की नज़र में ये सब पर्सन है, और अगर ये इनकम कमाएंगे तो इनको अपने अपने इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब किसकी बारी आती है? लोकल अथॉरिटी। आप लोग बता सकते हैं लोकल अथॉरिटी कौन है, किसको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी? लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को लोकल अथॉरिटी बोला जाता है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल अथॉरिटी। तो ये भी, इसको भी इनकम टैक्स भरना है। हाँ, ये भी लायबल है इनकम टैक्स, बट ध्यान से सुनो। अब ये तो गवर्नमेंट है, ये कैसे लायबल हो सकता है? आपके दिमाग में आएगा ये बात? हाँ, ये गवर्नमेंट है, ये लायबल कैसे हो सकता है? बट यहाँ पर पर्सन के डेफिनेशन में इसको बोला है, ये भी पर्सन है, लेकिन ये जो भी कमाएगा सब सारे इनकम पे टैक्स लगेगा ऐसा नहीं है। अभी लोकल अथॉरिटी जो टैक्स लेता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो उसका हक है, वो गवर्नमेंट है, उसी लिए तो बनाया गया। लोकल अथॉरिटी अगर कुछ अलग से इनकम कमाता है, अब जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बराबर, अगर ये कोई ट्रेडिंग करके कुछ पैसा कमा रहा है, अभी आपको पता है बीएमसी का गाड़ी आता है, जितने भी वो फेरी वाले होते हैं सड़क पे फेरी लगाते हैं, वो बीएमसी की गाड़ी देखते ही भाग जाते हैं, जाते हैं ना। हाँ, तो बीएमसी क्या करता है? जो भाग गए वो तो चले गए, लेकिन जो भाग नहीं पाते बीएमसी उनके गुड्स को जब्त कर लेता है और उनसे फाइन लेता है, पेनल्टी। अब वो पेनल्टी कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि फेरी वाला उसको छुड़ा नहीं जाता है। अभी उसका माल 6000 रुपए का था और बीएमसी वालों ने 25000 का पेनल्टी लगाया, तो बोलेगा तो मरने दो, हमको छुड़ाना ही नहीं है, मैं 25000 देके 6000 का माल क्यों छुड़वाऊं, तो जाता ही नहीं है। तो बीएमसी वाले क्या करेंगे फिर? उसका ये जो 6000 का माल जब्त किया है वो बीएमसी वाले बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। हाँ, ये जो बेच के उन्होंने कॉन्फिस्केटेड गुड्स बेच के जो उन्होंने पैसा कमाया है, ये बीएमसी का अलग इनकम है, इस पर इनकम टैक्स लगेगा। हाँ, लेकिन बीएमसी आपसे जो म्युनिसिपल टैक्स वसूल करती है, म्युनिसिपल टैक्स लेती है ना, हर घर से लेती है, वाटर टैक्स लेती है, म्युनिसिपल टैक्स लेती है, ये जो बीएमसी ये जो इनकम कमाती है इस पे टैक्स नहीं भरना है उसको,
ये इनकम के लिए लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लायबल नहीं है, इस पे उसको टैक्स नहीं भरना है। लेकिन ये जो अलग से इनकम कमाया गुड्स कॉन्फिस्केट करके जो उसने इनकम कमाया उसको बेच के, उसको ऑक्शन करके, उसको सेल करके जो पैसा कमाया बीएमसी ने, क्या बीएमसी ये ऑब्जेक्टिव है बीएमसी का? क्या बीएमसी इसलिए बनाई गई थी कि लोगों का माल जब्त करके पैसा कमाए? नहीं। बीएमसी किसके लिए एस्टैब्लिश की जाती है? लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाया जाता है? ताकि लोगों को नेसेसरी सर्विसेज मिल सके, इसके लिए बनाया गया। सामान जब्त करके बेचने के लिए नहीं, लोगों को बेटर रोड्स मिले, लोगों को बेटर वाटर सप्लाई मिले, लोगों को अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले, ये सब चीजें मिलनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी भी एक पर्सन है और वो भी लायबल है, लेकिन अपने सारे इनकम के लिए वो लायबल नहीं है। ठीक है, तो वी स्टॉप हियर टुडे, वी एंड आवर लेक्चर हियर। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।